Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Akbar Banjara gang ki 2 crore 29 lakh ki sampatti zabt kar li gayi hai. Sampatti zabt karke shasan ne apna board bhi laga diya hai. Bata dein, Akbar Banjara gang ki sampattiyon par pehle bhi badi karwai ki ja chuki hai. फलावदा बिजनौर और कई जगह कार्रवाई की जा चुकी है, साथ ही अभी भी छानबीन की जा रही है और आज 7 दुकानें जो कि 2 करोड़ 29 लाख की हैं, उनको सील कर बुलडोजर चलवाया गया। साथ ही संपत्ति पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया गया है। बता दें, गोमांस सप्लाई कर मेरठ बिजनौर सहित अन्य जिलों और राज्यों में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने वाले अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान बंजारा को असम पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। दोनों ही असम पुलिस की रिमांड में थे और असम पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी। इसी दौरान वो पुलिस से छुटकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए थे। उसके बाद से ही शासन लगातार उनकी अवैध संपत्ति की जांच में जुटा है और अब तक कई जगह संपत्ति कब्जे ले ली गई है। देखिए आज के जब्तीकरण के बारे में शासन से मिली जानकारी। सर, अकबर बंजारा की संपत्ति पर आज जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई है और कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये अकबर सलीम समीम, इन लोगों पर गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उसी के क्रम में इनकी संपत्ति को माननीय डीएम साहब द्वारा सीज किया गया था। उसी के तहत आज 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति इनकी सीज की जा रही है यहाँ पे। सर, पहले कितनी कार्रवाई कर चुके हैं, कितने करोड़ की पहले कार्रवाई हो चुकी है? पहले बड़ी मात्रा में कार्रवाई की, करोड़ों की संपत्ति पहले भी अलग अलग बिजनौर में भी की गई है। इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ फलौदा में भी की गई है और संपत्तियों का इसका जानकारी की जा रही है। सारी संपत्तियों को एक एक करके सीज की जाएगी। अकबर गैंग के जितने भी और लोग हैं, क्या उनकी भी तलाश की जा रही है? हाँ, बिल्कुल तलाश की जा रही है। इसमें लगातार विवेचना चल रही है, खोजबीन चल रही है। जैसे जैसे अवैध संपत्तियाँ पता चलेगी जो अपराध करके अर्जित की गई हैं, सारी संपत्तियों को सीज की जाएगी। आज 7 की संख्या में है। 2 करोड़ 29 लाख की कुल इनकी आज की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ 29 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो सीज की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।